नमस्कार दोस्तों, मैं सनी शर्मा फिर से हाजिर हूँ अपने चैनल सनी नाथ पर। स्वागत करता सभी भाइयों का। आज मैं फिर से हाजिर हूँ एक नई जानकारी के साथ कि सर्व मनोकामना पूर्ति शावर मंत्र प्रयोग है। इस मंत्र के प्रयोग से क्या कि आपकी मन की इच्छाएं पूर्ण होती हैं। आप एक इच्छा रखे आप इसका जप कर सकते हो। 1188 बार जप करने से मन जो आपके मन में जो बोलते हैं चलती हैं इच्छाएँ चलती हैं वो इच्छाएँ पूर्ण हो जाती हैं। अगर आपके ऊपर गुरु कृपा अथवा आपके गुरु ने आपके सर पर हाथ रखा और आपके ऊपर देवताओं की कृपा हो। सर्वप्रथम निवेदन रहता है चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना, बेल आइकन पर क्लिक करना। तीन और चैनल है गुरु गुरु शिव गुरु कृष्ण होना चाहते। सबसे ज़्यादा लाइव स्ट्रीमिंग में सनी ना चैनल पे लेता हूँ, सबसे ज़्यादा वीडियो इस पे आता है। तो चैनल अगर अच्छा लगे तुम लोग पहले समझो, जनरली अगर मन में आए कि इन्फॉर्मेशन ठीक है, बंदा ज्ञान ठीक दे रहा, तो ही सब्सक्राइब करना, ऐसे ज़बरदस्ती वाला काम नहीं है। और मेरे को मैसेज जो लोग छोड़ते हैं आधा अधूरा वीडियो देखा, अरे ऐसे मत छोड़ो यार, आधा वीडियो देखा नहीं, नंबर लिया, नंबर दिया और मैसेज छोड़ दो, कॉल पे बात करनी, ऐसे नहीं बात होनी भाई मेरे से। इंटरनेट पे फ्री में ज्ञान दे रहा हूँ, यहाँ पे बात कर रहा हूँ, आपको पता है कि नंबर दिया और जाहिर सी बात है कि कॉल हज़ारों के हिसाब से आते होंगे, सिंगल कॉल तो आती नहीं कि एक नंबर पे कॉल आ रही है। और इतना मेरे पास समय भी नहीं होता है, वो अपॉइंटमेंट ही लेनी पड़ेगी आपको। सबसे पहले वो बोलते ना, भोग आएगा मेरे पास, फिर आपका फ़ोटो आईडी आएगा, देन उसके बाद मैं देखने के बाद फिर मैं समय दूंगा कि आप कॉल करो। बकायदा ऐसे नहीं, डायरेक्टली मेरे साथ बात करो। और जिन लोगों ने गुरु धारण कर रखे हैं, गुरु का त्याग कैसे करना, वीडियो डल रहा है। और दूसरी बात, गुरु मंत्र हो गया, आपके घर में भूत प्रेत किया कराया कुछ लगाया कुछ भी है, तो ऐसे नहीं कटता है। उसके लिए जो फ्री वाला उपाय वो फ्री बताया जाता है, जहाँ पर जो खर्चा होना वो तुमने ही करना है। और मेरे द्वारा जितने मंत्र तंत्र दिए जाते हैं किसी, ये सिर्फ सनातन धर्म हिंदू धर्म के प्रचार के लिए अथवा जो गुरुओं का ज्ञान है, गुरुओं की वाणी है, ना संप्रदाय के प्रचार के लिए यहाँ पे जो आपको वीडियो बनाया था, आपने भी सिर्फ ज्ञान लेना। मैं ये नहीं बोलता डायरेक्टली आप इन मंत्रों तंत्रों का प्रयोग करो, प्रयोग करते लेखा जोखा तुम्हारा। और मेरे द्वारा देगी क्रिया करने से पहले मेरे धुने पे ही अरदास लगानी है, क्यों जब तक मुख से मैं दूंगा नहीं, आदेश करूंगा नहीं, गद्दी पे बैठ के आपके लिए दुआ नहीं लगती है, तब तक मंत्र कार्य नहीं करता। आप चाहे तो टेस्ट कर सकते हो, मैं तो ज्ञान दे रहा हूँ, मैं ज्ञान दे रहा हूँ, आप चाहो तो आप टेस्ट ले सकते हो, इसका कोई इशू वाली बात नहीं। और दूसरी बात यह है कि जो भी कार्य करो संपूर्ण रूप से गुरु सिनिधि में करना, गुरु आज्ञा के बिना नहीं करना है। सर्वप्रथम जिन लोगों को यही नहीं पता मेरे कुल देवता कौन है, मेरी कुल देवी कौन है, मेरे पितर कितने हैं, मेरे अवतार देवता कितने हैं और स्थान देवता कौन होते हैं, तो वो साधना क्षेत्र में कैसे आगे बढ़ जाएगा। पहले इनको मनाना पड़ता है। तो ये मंत्र का प्रयोग है, मैं आपको बता दूँ, 1188 बार आपने जपना हो तो उसके बाद ये सिद्ध हो जाता है। फिर आपने जो मनोकामना होती है, आपने संकल्प लेके मनोकामना पूर्ति के लिए किसी अच्छे शुभ तिथि भी आपने शुरू करना है, और अथवा आपने एक माला जप करनी है, ठीक है। इसका संकल्प लेके अगर काम उग्र है, जैसे कोई बोलता ना कि काम थाने का है, थाना मीन की केस लग रहा है, कोई पुलिस कार्य वाला काम हो गया, या आपका कोई कोर्ट कचहरी में मामला फंस गया है, या आपके ऊपर लग रहा है आपका बंधन लग गया, तो आपने 5 दिन या 11 दिन का संकल्प ना, फिर अपने एक एक माला करनी सुबह शाम इसकी। दूसरी बात है, नॉर्मली इसका जो जप है, आपने अगर रूटीन लाइफ में जब आप मंत्र सिद्ध कर ले तो दीपावली या होली वाले दिन या अथवा ग्रहण कालों में अथवा शुभ तिथियों में मंत्रों का जप कर ले, तो जप करने के बाद आपका कार्य बनता है कि पूर्ण रूप से आप इनका जप जो है वो करते जाए, कंटिन्यूसली आपने इनका जप करना पड़ता है आपको। चाहे आप 5 बार जपो, जपना है रूटीन लाइफ में आपने, क्योंकि शावर मंत्र जैसे जैसे जपे जाते हैं शक्ति भी बढ़ती जाती है और इनके कार्य करने की समर्था और इनका दायरा भी बढ़ता जाता है। और मैं आपको बता दूं इसकी विधि क्या, वैधि सुन लो आप। देखो इसमें क्या है कि इसमें पीर फकीर पैगंबर सब चलते हैं, और जो बोलते हैं ना, आप ये मान लो पीर फकीरों के नीचे जिन जलात हम जा जक्षणियाँ परियाँ सब चलती है, हनुमान बाबा जी चलते हैं, नार सिंह चलते हैं, और सुलेमान वो होते ना पैगंबर जो महाराज वो चलते हैं, और 80 वो होते ना 380,000 जो पैगंबर है उनकी कृपा से उनके नीचे जितनी शक्तियाँ सब चलते हैं। उक्त मंत्र का जाप अपने शुक्रवार के पक्ष में आपने मंगलवार या सोमवार से प्रारंभ कर सकते हो, अथवा आप दीपावली को इसका 1188 जप करना है आपको। जल का लोटा पास में रख लेना है, 5 अगरबत्तियाँ लगानी है आप इसका नित्य। मैं आपको बता दूँ सिद्ध होने के बाद 5 बार जप सकते हैं इसको, 21 बार या 41 बार, अथवा जब सिद्ध करना है तो आपने 108 बार जपना ही जपना है। देखो इसका प्रयोग पूर्ण सिद्धि के लिए 41 दिन का आपको जप करना पड़ता है नॉर्मली, एक माला सुबह, एक अनुष्ठान रखना है, मास मदली का प्रयोग नहीं करना। जब ग्रहण है तब मंत्र का जप आपने करना है 21 या 41 बार। आपको समझा ये मंत्र सभी कार्य में आता है, भूत प्रेत बाधा हो, चाहे शारीरिक मानसिक कष्ट हो, अथवा 3 बार ही मंत्र पढ़ना है, मुकदमे में जाना है, यात्रा में जाना, कहीं पर भी जाना, सफलता मिलती है, नौकरी नहीं मिलती है, काम नहीं बनता, धंधा नहीं लगता, बार बार असफलता मिलती है, तो आपने इसका वहाँ पे प्रयोग करना। रुद्राक्ष की माला, सरसों के तेल का दीपक लगा के आपने इसको जपना है आसन आपका, और बाकी भोग आप अपनी समर्था अनुसार कुछ भी लगा सकते हो, मीठे का भोग ज़्यादा नहीं, बतासे भी दे सकते हो, जो आपकी समर्था है। तो मंत्र सुन लो, या उस्ताद बैठो पास, काम आबे रास, ला इलाही इल्ला हजरत बीर,
कौशल्य वीर आज मजरे जालिम शुभ कर्म दिन करे जंजीर जंजीर से कौन कौन चले बावन वीर चले छप्पन कलवा चले 64 योगनी चले 90 नारसिंह चले देव चले दानव चले 5 शिरोमन चले लंगूरिया सराल चले भीम की गदा चले हनुमान की हांक चले नारसिंह की धांक चले नहीं चले तो हजरत सुलेमान के तख्त की दुहाई 180,000 पैगंबर पीर पैगंबर की दुहाई चलो मंत्र फूरो वाचा मेरे गुरु का शब्द साचा सतनाम देश गुरु जी का। होपफुली वीडियो अच्छा लगी है, चैनल अच्छा लगे सब्सक्राइब और शेयर जरूर करना।